हेलो गाइज, मेरा नाम है हर्ष और मैं आज आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। तो गाइज, आपने अगर मेरी मॉडिफिकेशन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसके अंदर ये कंट्रोलर यूज़ किया था और बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे कि भाई बताओ कंट्रोलर कैसा दिखता है, कैसे फंक्शन करता है। तो ये मैंने कंट्रोलर आज अपनी स्कूटी में थोड़ी मॉडिफिकेशन कर रहा था तो इसलिए मैंने निकाला हुआ है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कंट्रोलर कैसे कैसे काम करता है। तो अभी आप जैसे वायरिंग देख सकते हो, ये वायरिंग पूरी हार्नेस मैंने बनाई है और ये देखो आप जितना भी देख रहे हो ना, एकदम प्रॉपर वे से मैंने देखो वायरिंग बनाई है, ऐसे कपलर टू कपलर सिस्टम की है। तो वायर और ये जो कपलर हैं ये सब इंक्लूडेड नहीं होते, सिर्फ इतना सा बॉक्स होता है, कंट्रोलर इसके अंदर आता है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और ये दो ऐसे सेम कंट्रोलर आते हैं आपके पास, ए बी सी डी लिखा होता है, ये 4 चैनल बोलते हैं इसे, 12 वोल्ट 4 चैनल कंट्रोलर। और इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको किस तरह से काम करता है। और जो मैंने ये आप देख रहे हो कपलर और जो हीट श्रिंक ट्यूब जो लगाई हुई है, कहाँ से लगाई है, तो गाइस मेरे पास ये प्रोडक्ट पहले आए थे, ये आप देख सकते हो, ये है हीट श्रिंक ट्यूब और ये है कपलर का पूरा सेट। तो भाई इसकी हेल्प से मैंने पूरी की पूरी एक वायरिंग हार्नेस बनाई है। और इससे मतलब क्या है कि ना, जैसे पहले कहता था मेरे बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था सारा स्कूटी के अंदर सब कुछ, तो अब बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में हो जाएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे मैंने बाहर से कुछ इंस्टॉलेशन करा रखी है। दूसरा, वायर भी मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ करी है। तो मैं आपको कंट्रोलर खोल के दिखाता हूँ और उसके फंक्शन आपको बताता हूँ सबके साथ। तो गाइस बहुत आसानी से खुल जाता है। और आप ये जो पन्नी लगी हुई देख रहे हो इसके ऊपर, ये मैंने लगाई है इसकी वाटर प्रूफिंग के लिए, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है तो वाटर प्रूफिंग के लिए मैंने इसके ऊपर ये ऐसे लगाया है। इसके ऊपर ही मैंने पहले टेपिंग कर रखी थी, अभी टेप वगैरह मैंने सब हटा दिए। तो गाइस जो इसका केस है उसके साथ रोकने के लिए इसके अंदर 4 स्क्रूज दिए हुए हैं, एक यहाँ पर है ये मैं खोल रहा हूँ, एक इस साइड है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। चारों स्क्रूज को मैं खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे है पूरा कंट्रोलर ये। सो गाइज मैंने इस कंट्रोलर से सारे के सारे जितने भी वायर लगी हुई थी सब मैंने हटा दिए हैं और देखो क्लोजर लुक देखो इसकी पूरी कंट्रोलर की। और जो वाइट कलर की वायर आपको दिख रही है ना, ये एंटीने की वायर है और एंटीने की वायर यहाँ से आती है, देखो इस वाली आईसी के अंदर से, जो ये जो आईसी है ना येलो कलर का जो लगा हुआ है, इस वाले बोर्ड के अंदर से एंटीने की वायर है। इसको मैंने लंबा कर लिया, थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है। तो लॉन्ग करने से क्या है, इसके सिग्नल की थोड़ी स्ट्रेंथ मेरी बढ़ गई थी स्कूटी के अंदर। जब ये छोटा सा यहाँ पर रिंग सा बना हुआ आता है इसका, तो वो जो रिंग बना हुआ था उससे क्या हो रहा था कि भाई मतलब कभी कभी सिग्नल नहीं पकड़ता था। तो मैंने इसको लंबा करके इस वायर को थोड़ा बाहर कर दिया, तो इसके बाद से मेरी स्कूटी के अंदर मतलब सिग्नल ही प्रॉपरली आने लग गए और मैं दूर से भी इसको ऑन ऑफ कर पाता था। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे काम करता है। इसके अंदर देखो 4 रिले हैं, ए बी सी डी। कुछ कंट्रोलर के अंदर उल्टी भी हो सकती है, ये वाली ए की रिले हो सकती है, बी की हो सकती है, सी की हो सकती है, डी की हो सकती है, जो इसके अंदर बटन है इनकी अलग अलग रिले हो सकती है। तो इसके अंदर नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी लिखा हुआ है और यहाँ पर जो वो है इसमें प्लस माइनस लिखा है। तो गाइस ये जो कंट्रोलर है ये ऑन होता है 12 वोल्ट पे, डीसी 12 वोल्ट से चाहिए ऑन होने के लिए, कंट्रोलर को चालू होने के लिए। सबके बी वाले पोर्ट में से आपको एक वायर लेनी है और वो प्लस वाले में लगा देनी है। और आपको सिर्फ जो एक एक वायर डालनी है, एक बी में, इसके ए में डालनी है, किसके ए में डालनी है, इसके ए में डालनी है, किसके ए में डालनी है, और आपको वायर बाहर निकाल लेनी है, एक नेगेटिव पॉजिटिव कर देना है और बस ये कनेक्शन सिंपल से आपको कर लेने हैं और आपको बस इसे बंद करना है। आपको ज़्यादा फालतू छेड़ना ही नहीं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं है। और गाइज ये अब आप पूछोगे कि ये वाला बटन किस लिए है, तो ये वाला बटन होता है रिमोट पेयर करने के लिए, जो इसके रिमोट हैं इसको कंट्रोलर जो है इनको पेयर करने के लिए। तो आपको जब ये ऑन होगा एक बार इसे प्रेस करना है और आपको फिर एक बार इसके बटन को दबाना है, कोई से भी एक बटन को दबाओगे तो ऑटोमेटिकली जो सबसे नियरेस्ट रिमोट होगा उसके साथ ये पेयर हो जाएगा। और आप कोई भी रिमोट इसके साथ पेयर कर सकते हो, मतलब यही वाला होना चाहिए जो कंपनी ये करती है। ये वाटर प्रूफ है रिमोट वैसे, मतलब आप मान के चलो पानी में डुबोगे एक बार निकाल लोगे तो काम करता रहेगा, बट ऐसा मत करना कि भाई बिल्कुल ही पानी में डुबो के रख दो यार, वाटर प्रूफ टेस्टिंग करने लग जाओ, क्योंकि यार ना तो इतना महंगा मॉड्यूल है ना इसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है। सो गाइज मैंने आपको बेसिक सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं कैसे कैसे कंट्रोलर के अंदर काम करेगा। और एक छोटा सा वायरिंग डायग्राम का मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको, वो लिंक से आप फोटो डाउनलोड कर लो, आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे कनेक्ट करना है। मैं सिर्फ नॉर्मल वाले का आपको वायरिंग डायग्राम दूंगा, सिर्फ नॉर्मल वाले का, जो मैंने अभी नॉर्मल हमारे स्कूटी में लगा रखा है ना कि ए दबाएं तो ए वाला चीज़ काम करती रहे, बी दबाएं तो बी वाली चीज़ काम करे, सी दबाएं मतलब हम जो बटन दबाएं वो वाली चीज़ ऑन ऑफ होती रहे, तो एक बार दबाएंगे तो ऑन होगी, एक बार दबाएंगे तो ऑफ होगी। मैं उस वाले फंक्शन के लिए आपको इसकी वायरिंग दे दूंगा और बस आपको ये मतलब क्लिप आपको इधर वाली जो ये क्लिप है ना, जैसे दिखा देता हूँ फिर से, जो क्लिप है इन दोनों पर ही आपको रखनी है। तो ये फंक्शन जो मैं वायरिंग बताऊँगा
आपकी वो वाली काम करती रहेगी। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देखो मेरे पास ये रही मेरी चाबी, और जैसे जिस लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको पता नहीं होगा कैसे काम करता है। तो मैंने देखो सबसे पहले ए वाला जो बटन है इसके ऊपर मैंने क्या रखा है, अभी थोड़े हाथ गंदे हो रहे हैं प्लीज इग्नोर करना। जैसे मैं ए वाला बटन प्रेस करूंगा तो इंडिकेटर फ्लैशर काम करने लग जाएगा। देखो दोबारा ए बटन दबाऊंगा, दोबारा प्रेस करूंगा तो इंडिकेटर का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया और अलग, दोबारा दबाऊंगा दोबारा अलग, अब अलग, मतलब इस तरीके से काम करता है मेरा ये वाला बटन। बी वाले बटन से क्या होता है, बी वाला बटन अगर मैं दबाता हूँ तो बी वाले बटन के साथ मैंने सेट किया है हेडलाइट को, और आप देखो हेडलाइट ऑन हो गई। देखो कोई भी नहीं खड़ा स्कूटी के पास, हेडलाइट ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ऑफ हो गई, इस तरीके से, ठीक है। सी वाले बटन के साथ मैंने इसे चार्जर कनेक्ट किया है, सेम टू सेम जिस जिसने मेरी मॉडिफिकेशन वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि क्या क्या चीज़ कहाँ पे कनेक्टेड है। सी वाले बटन से मेरा यहाँ पे मेरा आपको पता होगा वाला मैंने माउंट लगाया हुआ अपनी स्कूटी के अंदर, तो इसका ये जो चार्जर वाला कपलर है इसके अंदर पावर आ जाता है सी वाला बटन दबाते के साथ ही। ये सी दबाऊंगा तो ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, इस तरीके से। और अब लास्ट जो डी है, डी के साथ मैंने कनेक्ट किया है इसके पूरे इग्निशन को, और आप ये देखो जब मैं डी दबाता हूँ ये देखो इग्निशन में पावर आ गई है, और ये देखो स्पीडोमीटर भी स्टार्ट हो गए। तो जैसे अगर आप कहीं जाना चाहते हो, आपने अपना डी वाला बटन दबाया, चाबी को आपने जेब में डाला, और अब अपना बिना चाबी के देखो चाबी निकाली हुई है, ये स्टार्ट हो गई और आप लेके जा सकते हो, और दोबारा डी दबाओगे तो पूरा गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसका पूरा मॉड्यूल को सेट किया है, और इस तरीके से मैंने सारी सारी चीज़ें ये इन बटन के साथ कनेक्ट करी हैं। और आप इसको मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप अगर बी के साथ कुछ और लगाना चाहते हो तो कुछ और लगा सकते हो, ये तो मेरी मतलब खुद की प्रेफरेंस है कि मैंने बी के साथ क्या लगाना है, डी के साथ क्या लगाना है, तो आपके ऊपर है कि आप क्या लगाना चाहते हो। सो गाइस पूरी इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, और सारी चीज़ें मैंने आपको मतलब दिखा दी हैं कि कैसे कैसे क्या क्या मॉड्यूल काम करता है, और इस बटन का फंक्शन अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ कैसे कैसे मैंने क्या क्या कनेक्ट किया है। और अभी आपको आगे एक फोटो दिख रही होगी, तो फोटो के अंदर आप देख रहे होगे कि मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक वायरिंग करी है। तो मैंने पूरी वायरिंग किट बनाई थी कपलर के साथ, और सारे हीट श्रिंक्स यूज़ करे थे। तो गाइस पूरा का पूरा काम मेरा डन हो चुका है, और अब मेरे को मतलब ये आज 31st है, और आज मेरे को वीडियो ख़त्म करनी थी, उसके साथ साथ एक वीडियो अभी और बन रही है, दिखाता हूँ आपको मैं। देखो मेरी नंबर प्लेट अभी हटी हुई है, मैं कुछ करवा रहा हूँ इसके साथ, तो मतलब फॉग लाइट लगवा रहा है, आगे बता ही देता हूँ, आगे वीडियो आने वाली है एक और, तो मैं फॉग लाइट लगवा रहा हूँ और उसकी भी अलग वीडियो बना रहा हूँ, उसका शूट हो रहा है। और अब आप देखो यार हाथ भी गंदे हो रहे, बहुत ठंड हो रही है यार दिल्ली में, आपको पता ही होगा 2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच गया था, तो दिल्ली वालों को इतनी हैबिट नहीं है ठंड की, तो हमें तो बहुत ठंड लग रही है भाई अभी इस टाइम पे। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, क्योंकि ये यार मॉड्यूल काफ़ी अच्छा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लिंक पे क्लिक करो और प्राइस चेक करो। अगर प्राइस मतलब बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस पे मिल रहा है आपको ये, तो आप ले सकते हो इसको मॉड्यूल को, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। और नीचे आप जाओ डायरेक्टली खरीद लो यार, इसको डायरेक्टली खरीद लो, बहुत सस्ता है, और आपको मतलब अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 दिन लगते हैं इसको आने में। और कोई भी अगर आपको इशू आता है ना बैंगलोर के साथ, तो आप डायरेक्टली उन्हें कस्टमर सपोर्ट से मेल कर सकते हो, और आप बहुत इजीली आपको मतलब कुछ भी चीज़ होगी ना वो सॉल्व करके दे देंगे। तो गाइस बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, चैनल लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना भाई, और वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो भाई, मतलब सारी चीज़ें भी पता नहीं, बड़ा कन्फ्यूजन में वीडियो बना रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और बस गाइस यहीं वीडियो खत्म करते हैं, बाय।